आदिल जी, झारखंड में फिल्म नीति बनने के बाद इसके निर्माण में क्या बदलाव है? झारखंड में बनी है फिल्म नीति, महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में बनने जा रही है, तो असम में क्यों ना बने। तो इस वजह से हमने कुछ चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा और मुझे लगा कि ये फिल्म नीति जो है वो इस एक जगह को, क्योंकि फिल्म इतना पावरफुल मीडियम है कि कहीं भी चला जाता है, पूरे पृथ्वी में कहीं भी चला जाता है, तो इस किस्म के पावरफुल मीडियम को अगर आप यहाँ इस किस्म की सुविधा दें तो लोग आएंगे और यहाँ के सिर्फ मतलब सिर्फ सीनरी ही नहीं, सुंदर तो है लेकिन यहाँ के चेहरे जो लोग जैसे फेशियल स्ट्रक्चर है, जो उनका भाषा है, जो कपड़े जिस किस्म के पहनते हैं, उसके बारे में जानकारी पूरे दुनिया को होता है। और फिर लोगों जब आप बाहर जाते हैं या लोग बाहर से अंदर आते हैं तो हमें नहीं लगता है कि ये पराया है, लगता है कि अपना ही है। जैसे आप फिल्मों में हीरो देखते हैं और जब मिलते हैं सचमुच अगर हम उनको जानते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आपको खुद मतलब पहचाने लगता है ना कि। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है हर एक प्रदेश को इस किस्म की नीति बनाना, ताकि फिल्में बने, लोग इनके बारे में, लोगों के बारे में जाने और पूरे दुनिया में उसका प्रचार। आदिल जी, अपने फिल्म से झारखंड के लोगों से आपको क्या उम्मीद है? पहले तो हम 3 दिन से हैं और अभी तक बहुत ही हम शूटिंग जहाँ कर रहे हैं इतने डिसिप्लिन हैं और हम चाहते हैं कि जब हम फिल्म करते हैं तो कभी कभार भागदौड़ी में हम बोलते हैं अरे हट जाइए, इधर से हट जाइए, तो बुरा ना माने क्योंकि हम भागदौड़ी में रहते हैं कि वो क्या कहते हैं सूर्यास्त हो जाएगा या थोड़ा सा बादल चाहिए तो बादल निकल जाएगा। तो इस वजह से कभी कभी हम थोड़ा सा बोल लेते हैं कि थोड़ा हट जाइए, तो कोऑपरेशन हो और अच्छा खाना खिलाए हमें। झारखंड के फिल्मकारों के लिए आपका क्या संदेश है? अरे मैं संदेश देने वाला कौन हूँ, मैं तो बस अभी तो हम 10 साल पहले फिल्म करना मैंने शुरू किया। नहीं, मेरे ख्याल से कोई भी फिल्म बनाने से पहले या कुछ भी चीज़ करने से पहले जो लगता है कि आपको कितना जानकारी है उस मीडियम के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक्टिंग बचपन से करे आए हैं लेकिन उसके बावजूद NSD में पढ़े हैं, फिर इंग्लैंड में गए पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर इंग्लैंड से वापस आके फिर 6 साल मैंने पढ़ा, ट्रेनिंग किया, उसके बाद मैंने पहला नाटक किया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले, जैसे डॉक्टरी करने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है, तो फिल्म करने से पहले क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल, ये एक कला है, उसको उसके बारे में जाने सीखे। दुनिया में अच्छे अच्छे कलाकार फिल्म मेकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ें, उनकी फिल्में देखें, ताकि आप एक फिल्म बनाएं ना कि एक ऐसे बना दिए, ऐसा फिल्म बनाएं कि दुनिया भर में चले। तो जैसे असम की एक लड़की है रीमा दास, अभी उन्होंने 4 साल लगा के एक फिल्म बनाई, उसका नाम है विलेज रॉकस्टार। वो फिल्म अभी 80 कंट्रीज में रिलीज हो रहे हैं। फिल्म का बजट है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 लाख रुपए। सोचिए 80 कंट्रीज में रिलीज हो रहे हैं क्योंकि उनको आती है फिल्म बनाना, ये बहुत ज़रूरी है ना कि अच्छा हम भी हीरो बन जाए, थोड़े बहुत दिखाई दे लोग को, उस किस्म में फिल्म बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भूल जाएंगे। ये ज़रूरी है कि अच्छे फिल्म, जैसे ये फिल्म जो बन रही है उनको पता है कि क्या बनाना है।